हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे आरपीएससी यूआरओ एग्ज़ाम को लेकर कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। क्या नोटिस आया है और क्या न्यूज़ है इस वीडियो में आपको देखकर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप अपनी तैयारी को अब आराम से कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जानते हैं आपकी जो आरपीएससी यूआरओ एग्ज़ाम है उसके लिए बड़ी खबर क्या है जो आप दिखाऊंगा आज मैं, और जो कि 2024 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट और अच्छी खबर साबित हो रही है। तो देखिए, आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम जिसका आप वेट कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो, और जब भी मैं वीडियो बनाता था उसमें आप सभी जब कमेंट करते थे, ज़्यादातर कमेंट में यही होता था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, और कुछ जो कमेंट थे वो कहते थे नहीं होगी कैंसिल। उनको ये अब पता चल जाएगा कि आखिर मैं ये क्यों कहता था कि एग्ज़ाम कैंसिल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, आप जो आरपीएससी ईओआरओ का एग्ज़ाम आपने दिया था उसमें जो पहले कहा गया था कि आप इसका रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट को लेकर एक नोटिस आया था कि इसमें क्लीन चिट दे दी गई थी कि आप इसका रिज़ल्ट आराम से जारी कर सकते हो। फाइनल रिज़ल्ट ऑरेंज जोनी के लिए नहीं कहा था, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जारी करने के लिए कह दिया गया था। लेकिन एसआई एग्ज़ाम में काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब सरकार और एसओजी सतर्क हो चुकी है। क्योंकि एसआई एग्ज़ाम में क्या हुआ, दो पक्ष बन चुके हैं। एक तो वह जो पेपर खरीद कर और इंटरव्यू में पैसा देकर बने हैं, और एक दूसरे जो ईमानदारी से बने हैं। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सरकार बीच में फंस चुकी है कि एग्ज़ाम कैंसिल करी जाए या नहीं की जाए। अगर करते हैं तो ईमानदार लोगों के लिए धोखा है, बेईमानी होगी, और नहीं करते तो ईमानदार लोगों के लिए फिर भी धोखा ही है। तो इसी वजह से अब क्या कर रहे हैं, एसओजी अपनी फुल टीम के साथ ईओ और आरओ का जो है छानबीन में लगी हुई है। एंड जैसा कि मैंने कहा था, अक्टूबर तक आप लास्ट तक वेट कर लीजिए, आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो बात करते हैं एसओजी की तरफ से, जो ईओ आरओ के लिए जो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है एंड कर भी रही है, अंदर अंदर इसका जांच चल रही है ऐसा के साथ साथ। तो आपको बात बताऊं कि एसओजी ने इस बार आरपीएससी को ईओआरओ का रिज़ल्ट जारी करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है और बोल दिया है कि इसका जो रिज़ल्ट है जारी नहीं करे, ना इसका फाइनल रिज़ल्ट जारी करे, ना कोई सा रिज़ल्ट इसका जारी नहीं करना है, आप इसको अभी रहने दीजिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एसओजी ने इसको साफ साफ मना कर दिया है कि ईओआरओ का रिज़ल्ट जारी ना हो, एंड इसके अभी छानबीन चल रही है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब ये कई बार इसको 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और इसका रिज़ल्ट जारी नहीं करने दिया जा रहा है, तो मतलब एसओजी को इसके सबूत पहले ही मिल चुके थे, और कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि क्यों ना इस एग्ज़ाम को दोबारा से ले ली जाए। तो आपको लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो ईओआरओ का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्टूबर तक लास्ट तक वेट कीजिए, इसका आपको न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और यह एग्ज़ाम 99 से ज़्यादा बढ़कर 99.99% कैंसिल होने की कगार पर आ चुकी है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, यहाँ तक कि आप नगर पालिका भी अब पढ़ सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं। और बाकी जो इसकी एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के लास्ट तक वेट कीजिए, न्यूज़ मिलेगी। एंड और ये वैकेंसी अब न्यू वैकेंसी के साथ भरकर आएगी, और इसमें नए लड़के भी, नए स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे पाएंगे, नया फॉर्म भर पाएंगे, और ये पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उससे बढ़कर ही वैकेंसी आएगी, टेंशन मत लीजिए। और आपके लिए कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपकी रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसका रिज़ल्ट के लिए मना कर दिया एसओजी ने साफ साफ कि रिज़ल्ट जारी ना करे, और मतलब आप समझ सकते हो ये एग्ज़ाम कैंसिल की कगार पर है और नई वैकेंसी के साथ बढ़कर आएगी। और ये आपकी आने वाली है तो दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी, और आपका मार्च अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप तैयारी में लग सकते हैं और एक अधिकारी बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।